मानव योनि प्राप्त करने के बाद प्रत्येक जीव को अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए, और मानव योनि का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवत प्राप्ति। और ये कैसे मिलेगा? भगवान की कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से, साधु सेवा करने से, धर्म की रक्षा करने से। बहुत से लोग कहते हैं कथा सुनना या भजन करना एक उम्र की बात होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए, मैं तुम्हें ध्रुव चरित्र सुनाता हूँ। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। ध्रुव जी महाराज के पिता का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद ने दो विवाह किए, बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुरुचि तन से सुंदर है, सुनीति मन से सुंदर है। दुनिया वालों को कैसे लोग पसंद हैं? है जी, तन से सुंदर। और मेरे कन्हैया को कैसे लोग पसंद हैं? मन से सुंदर। हम लोग किसको सुंदर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं? कितने का पाउडर का खर्चा है, कितने का काजल का खर्चा है, कितने का आज तक इस महंगी ड्रेसों का खर्चा है, पता है कुछ? अनकाउंटेबल, पता नहीं। लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए उस पर भी खर्चा करते हो, वो होना चाहिए। मन को सुंदर बनाया जाता है कर्मों से। कोई ऐसा पाउडर नहीं है जो तेरे मन को सुंदर बना सके। कोई ऐसी क्रीम नहीं है जिसे मन पे लगा दो तो साफ हो जाए। ये तो बस भगवान की कथा ही है जो तेरे मन को शुद्ध और पवित्र कर देती है। मन से सुंदर लोग मेरे ठाकुर जी को विशेष प्रिय होते हैं। तो मेरे भाई बहन, बड़ी रानी सुनीति के पुत्र है ध्रुव, छोटी सुरुचि के पुत्र है उत्तम। ध्रुव जी की उम्र है मात्र 5.5 साल। राजा का प्रेम सुरुचि में, क्योंकि वो तन से सुंदर है। एक दिन की बात है, ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी माँ ने हाथ पकड़ा सुरुचि ने और नीचे उतार लिया और कहा, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा, माँ मुझे बताओ क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ समझ गई, अवश्य मेरे बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेरा बच्चा रो रहा है, कुछ घटना घटी है। माँ ने पूछा, बात बताओ, बात क्या है? बात बताई माँ, मेरी छोटी माँ ने कहा कि मैं इस गोद में नहीं बैठ सकता। आप भी ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या तुम नहीं बिगड़े? जब बच्चे जवान हो जाएं, तब भी माँ बाप हाथ में हाथ डालकर मार्केट में घूमेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे उन माँ बाप से? क्या सीखेंगे? हम लोग देहाती हैं, गांव के रहने वाले हैं, गमार हैं, लेकिन जानते हो हमारे यहाँ क्या मर्यादा है? आज भी छोटा भाई बैठा हो ना तो पति अपनी पत्नी से बात नहीं करता, बड़ा भाई बात नहीं करता। इतनी मर्यादाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि इतनी मर्यादाएं तुम पालो, और पाल भी नहीं सकते हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कम से कम अपने बच्चों को तो बता सकते हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कम से कम बच्चों के आगे गंदी बात तो मत किया करो, कम से कम बच्चों के आगे मूवी तो मत देखा करो। ये तो तुम कर सकते हो। कोई भी कर्म ऐसा मत करो जिससे तुमसे प्रेरणा लेकर तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएं। और आजकल के मां बाप ऐसे ही हैं। अब आजकल के मां बाप ऐसे नहीं हैं। मेरे को तो बड़ी शर्म आती है जब रिश्ते में चाचा, रिश्ते में मामा और इधर उधर छोटे मोटे ऐसी ऐसी गंदी मजाक करते बच्चों के आगे, उनसे गालियां बुलवाते हैं,
और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। ये बच्चों के चरित्र का निर्माण नहीं, ये बच्चों के चरित्र का हनन है। मां हो तो सुनीति जैसे, बच्चे पैदा कर दिए मां बाप बन गए, इतना ही काफी नहीं है। ऐसे तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तुम में और उनमें क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एनिमल्स, यू एंड एनिमल्स? क्या अंतर है? अंतर वो नहीं बता सकते कि तुम भगवान को मानो, वो नहीं बता सकते कि मंदिर जाया करो, वो नहीं बता सकते कि तुम धर्म का पालन करो। तुम बता सकते हो, तुम सिखा सकते हो। और एक बात बता दूं मेरे भाई बहन, जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म से दूर रखते हैं, याद रखना बच्चों, वो माँ बाप ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े दुश्मन है। तुम्हें ऐसे माँ बाप होने के बाद दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं, वो माँ बाप ही दुश्मन है। पैसे कमाने की मशीन नहीं हो आप। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इज अ बैड थिंग। पैसा 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 कितना चाहिए? कमाओ अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उन पैसे के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दो। मेरे भाई बहन, मैं हमेशा कथा में कहता हूं, अपने बच्चों को पैसा कम दे सको तो अच्छी बात है, लेकिन पैसे को संस्कार ज्यादा दे दो अपने बच्चों को, ये उससे भी बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम अपने बच्चों के आगे धर्म की निंदा करते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। खैर, सुनीति कैसी है? उन्होंने कहा, बेटा तुझे क्यों बैठना है पिता की गोद में? बोले, पिता की गोद में बैठने से बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षा महसूस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस दुनिया में उस पिता का नाम बता दो जिसकी गोद में तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। तुम्हारे पिता की गोद में तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो? मां की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो? तुम इस दुनिया में किसी की गोद में सुरक्षित नहीं हो। अगर तुम सुरक्षित हो तो मेरे कन्हैया की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। अगर एक बार मेरे कन्हैया की गोद में तुम बैठ गए तो इस दुनिया में काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, काल भी। और सुनो, ये बात सिर में बोल नहीं रहा हूं, ये अनुभव किए हूं मैं। मेरे प्यारे, मेरी हस्ती तो तभी मिट गई होती जब मैं पैदा होने वाला था या हुआ या उसके कुछ दिन बाद। अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब जानते हो कि मेरे ठाकुर का हाथ मेरे सर पे हमेशा था, हमेशा। मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं आपको, मैं एक प्रैक्टिकल, मैं तो आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं जिंदा हूं इसका मतलब है मेरा ठाकुर मेरे साथ है। वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है कि दिल किसका मजबूत है, दिल कौन है जिसका दिल पवित्र है, मन पवित्र है। अब मैं ये नहीं घोषणा कर रहा हूं कि मेरा मन पवित्र है, मतलब ठीक है, अंबरज में पैदा हुआ, थोड़ा सा वो हमारी कुछ एक्स्ट्रा गलतियां माफ भी तो करता होगा, घर का संबंध है भाई। तुम्हारी तरह थोड़ी दिल्ली में पैदा हुए हैं ना, ब्रज में पैदा हुए हैं, कछु मैंते बांध के लाए ऊपर ते, जरा तो जर अपने कर्मंते, हमारे तो कर्म अच्छे हैं, जब ही तो ब्रज में पैदा हुए, हमें तो रिश्ता जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा तो जुड़ा हुआ आया है भाई। मम्मी से रिश्ता जोड़ना पड़ता है, जुड़ा हुआ है वो तो। पापा से रिश्ता जोड़ना पड़ता है, वो तो जुड़ा हुआ लड़ी। वैसे हम तो जब पैदा हुए काहे भाई दिना तो जुड़े हुए, लेकिन हाँ, अब उस रिश्ते को हमें अपनी तरफ से मेंटेन करना है। आपका भी जुड़ गया, आपका भी जुड़ गया, आप पूछो कैसे? जो जो यहां पर कथा सुन रहे हैं हमारी, हमें बिहारी जी के और आप हो गए हमारे, तो हो गए कि नहीं रिश्तेदार हम ठाकुर जी के, हम सब मिलकर बताइए। बेटे का बेटा क्या हुआ? बेटे का बेटा क्या हुआ? बाबा को पोता ज्यादा प्यारा लगता है कि बेटा? तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा प्यारे हो उसे। ये सिर में बटरिंग कर रहा हूं अभी, हाँ, सीरियसली मत ले लेना, ये सिर्फ बटरिंग है।
हाँ ये बटरिंग भी तब अच्छी हो जाएगी जब आप अपने जीवन में ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाने के लिए वचनबद्ध हो जाओगे, तो ये बटरिंग सच शब्दों में घोषित हो जाएगा। माँ हो तो सुनी थी जैसी बोली, ये हाड़ मास के पुतले की गोद में बैठने से कुछ नहीं मिलना, अगर तुझे बैठने का मन है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद में से तुझे कोई ना हटा सके। ध्रुव ने अपनी माँ की बात मानी और घर छोड़ दिया। कितने वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 5.5 वर्ष का। और यह 75 साल के होलिए कई तो अभी भी कुर्सियां तोड़ रहे हैं पर घर छोड़ने की प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। खूब बूढ़े होलिए, कई जवान होलिए, कोई इच्छा नहीं है भगवान को पाने की। और एक और बात, घर छोड़ के भगवान मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। तू घर में रह के घर छोड़ दे, भगवान तेरे नजदीक आ जाए। घर में रह के घर छोड़, अब यहां घर छोड़ दे मां आश्रम बना ले फिर क्या फायदा, घर से ज्यादा बिजली का बिल उधर आएगा, टेंशन हो जाएगी। इससे बढ़िया है बच्चे कमाएं, तू घर में बैठ के भजन कर, पर कर भजन, और तीर्थ में भजन करने का मौका मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले पे गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा कलवल देखेंगे। हाँ और की किसी के घर में आग लग गई, सामने वाला बोला अरे भाई भाई आग लग गई, तो सामने वाला बोला मैनू की, अरे आग लग गई बोले मैनू की, वो तो मस्त मलंग था, जिसके घर में आग लगी वो मस्त मलंग था। वो एक कह रहा है अरे आग लग गई बोले मैनू की, आग लग गई मैनू की, ये तो पूछ ले किसके में लग गई बोले मैनू की, अरे तेरे में ही लग गई, सामने वाला बोला तेनू की, मेरे घर में आग लग गई तो तेनू की भाई, समझ लेना आग तो लगी है, अब तेनू की कि मैनू की ये सोचना है बस। आग अगर हमारे पापों में लग जाए मेरे भाई बहन, भागवत कथा श्रवण करने से अगर उन पापों में आग लग जाए तो तेनू की और मैनू की, मेरे रब ने मेरा कल्याण कर देता मेरे प्यारे।